हम लाखों करोड़ों बच्चे इसका वेट कर रहे हैं। सर अगर आपको वैकेंसीज या जॉब्स नहीं लेनी, आप नोटिफिकेशन मत दो। नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला। विश्वकर्मा पूजा के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 70 साल के हो गए। देश विदेश से लाखों बधाइयां मिल रही हैं। उनके घोर सियासी दुश्मन और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी उनको हैप्पी बर्थडे कहा, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद हैशटैग बेरोजगारी को लेकर उन पर वार कर दिया। बर्थडे बॉय को निशाने पर लेने वाले राहुल अकेले नहीं, आज सोशल मीडिया पर बेरोजगारी दिवस के बहाने सबने पीएम को कोसा, और इसके पीछे का असली चेहरा है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव का। बेरोजगारी के बहाने शिवपाल ने लखनऊ से ऐसी साइकिल दौड़ाई कि उसके पीछे राहुल और प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती भी दौड़ने को मजबूर हो गए। बेशक नए दौर के नौजवान नेता टेक्निक के इस्तेमाल में बहुत आगे हों, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेज तर्रार बनते हों, लेकिन खांटी पुराने समाजवादी और प्रसपा के चीफ शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि राजनीति का सीधा साधा सिद्धांत है, जो रुगिया को भावे वो बैदा फरमावे। यानी नेताओं को वही मुद्दे उठाने चाहिए जो जनता कहना चाह रही हो, पसंद कर रही हो। फिर वो मुद्दा देखते ही देखते एक आंदोलन बन जाता है जो सत्ता की सीढ़ी भी हो सकती है। अखिलेश यादव की साइकिल वाली पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव का मुंह अभी भी साइकिल से पूरी तरह नहीं टूटा है। फिर से सत्ता में आने की हसरत लिए घूम रहे शिवपाल ने अपना ये साइकिल प्रेम बेरोजगारी के बहाने दिखा दिया। मोदी और योगी सरकार पर बेरोजगारी को बढ़ाने और नौजवानों के करियर तबाह करने के आरोपों के साथ शिवपाल ने अपने कार्यकर्ताओं को साइकिल के साथ दिल्ली के रवाना किया। पूरी की पूरी राजनीति की दिशा ही बदल गई। शिवपाल का यह तीर ठीक निशाने पर लगा। देश के अब तक के सबसे पॉपुलर नेता कहे जाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी को उनके 17वें जन्मदिन पर कहां देश भर की मुबारकबाद तले दब जाना चाहिए था, लेकिन आज शायद वो पहली बार सोशल मीडिया पर देश के नौजवानों के निशाने पर आ गए। बेरोजगारी दिवस के नाम पर हैशटैग रोजगार ट्रेंड करने लगा और सब एक सुर में मोदी सरकार को कोसने लगे। जीडीपी का है क्या हाल, -24। ये सब किया धरा शिवपाल सिंह यादव का है। बेरोजगारी पर उनकी यह साइकिल यात्रा ने इतनी स्पीड पकड़ ली कि उस पर सवारी करने के लिए सब उतावले हो उठे। आलम यह हो गया कि कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, सब के सब बेरोजगारी के नारे के पीछे दौड़ पड़े। सब में होड़ लगी है कि बेरोजगारी के बहाने कैसे मोदी सरकार को बदनाम कर सत्ता हासिल किया जा सके। शिवपाल ने अपने बस एक मुद्दे से जता दिया कि भतीजा से लेकर बुआ तक उन्हें हल्के में लेने की भूल कतई न करे, क्योंकि खेल करने का वही असली खिलाड़ी है। बहरहाल युवाओं का गुस्सा अपनी जगह जायज है कि सरकार पुरानी परीक्षाओं के नतीजे नहीं बता रही, जिससे उनकी नौकरी अटकी पड़ी है और उम्र भी बढ़ती जा रही है। उनकी ये शिकायत भी जायज है कि कोरोना के खतरे के बीच सरकार जेई, नीट और क्लैट जैसी परीक्षाएं करा रही है, लेकिन ऐसे नौजवानों को समझना होगा कि देश में नौजवान बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है और सरकार के पास नौकरी लगभग 2.25 लाख। इसलिए उन्हें पीएम के मूल मंत्र को समझना होगा और स्वरोजगार पर जोर देना होगा, तभी उनको फायदा मिल सकता है।